दोस्तों इसके अंदर के पंखे का ही पूरा कमाल है, जिसको ज्यादातर लोग नहीं जानते। इसको हटाने पर, इसको लगाने पर अलग ही इसकी खूबी हो जाती है। इसके द्वारा आप दीवार की तराई कर सकते हैं, उसकी धुलाई कर सकते हैं, आपकी दीवार को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा यदि आपके पास नया वाहन है तो पानी की पड़ाव से उसकी चमक ज्यों की त्यों बनी रहेगी, यकीनन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इसके अलावा आप पेड़ पौधों की तराई के लिए एक बेहतरीन और एक फव्वारा बना सकते हैं। इस फव्वारे से पानी देने से छोटे पेड़ पौधों की जड़ें ऊपर की ओर नहीं उखड़ेगी और इसके द्वारा आप 1000 पेड़ों की तराई कर सकते हैं। दोस्तों यकीनन यह छोटा सा सिस्टम बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। यकीनन इसके द्वारा कम से कम आप 6 या 7 तरह के काम अपने निपटा सकते हैं। और इसकी कीमत की बात करें तो कीमत भी बहुत ही छोटी सी है। इसके अंदर आप 0.5 mm, 0.25 mm और 1 इंची के पाइप को भी लगा सकते हैं। यदि इसकी कीमत की बात करें तो केवल 5 रुपए इसकी कीमत है और आपको यह लोकल मार्केट में 5 रुपए का मिलेगा और अन्य जगह आपको 10 का भी मिल सकता है, लेकिन मैं लोकल मार्केट से 5 ही रुपए का इसको लेकर आया। शायद ही कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे, यदि जानते होगे तो यह नहीं जानते होगे कि इसके अंदर कुछ बदलाव करने से यह बहुत ही बेहतरीन इसकी क्वालिटी और भी बढ़ जाती है। जो हमने आपको जाली दिखाई, यदि आपका पानी साफ है तो आप उस जाली को निकाल सकते हैं जो अभी इसमें पीछे की ओर थी। और इसमें एक आगे पंखा लगा हुआ है। पंखा उस समय लगा जाता है जब आप इसका कोई फव्वारा बनाए, यानी पेड़ पौधों में पानी देने के लिए कोई फव्वारा बनाए। और यह देखिए कमाल की बात दोस्तों, इसके अंदर तो एक छोटी सी पंखड़ी नुमा यह पंखा भी है। इस पंखे का अपने आप ही प्रेशर बन जाता है, यदि पानी पीछे से भी नहीं आ रहा है, एक बार आ जाए तो यह बार बार आगे की ओर घुमा घुमा कर बाहर प्रेशर के द्वारा पानी को भेजता रहता है। दोस्तों किस प्रकार से आप इसका पानी सिंचाई करने के लिए एक फव्वारा बना सकते हैं, अपनी बाइक धो सकते हैं, इसके अलावा आप किस प्रकार से दीवार की सफाई कर सकते हैं, आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों इसको आगे से बंद कर देना चाहिए और यह बहुत ही बेहतरीन, वाकई बहुत ही कमाल का एक सिस्टम है। दोस्तों मैं के कल्याण यूट्यूब चैनल साइंस टेक जोन में आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे बाद में प्लीज लाइक कर दें। और यह देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन इसके द्वारा बाहर की ओर पानी की बूंदें आ रही हैं और इसके द्वारा आप दीवार की सफाई कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं इसके द्वारा बाइक धोकर देखी है, बाइक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफाई हुई है बाइक की। क्योंकि इस समय पानी पीछे से आ रहा है, हमने इसके अंदर की पंखुड़ी को हटा दिया है और जब हम इसका फव्वारा बनाएंगे सिंचाई के लिए पानी देने के लिए, तब हम इसके आगे की पंखुड़ियों को भी हटा देंगे और पीछे की जालीनुमा भाग को भी हटा देंगे। दोस्तों इसके पानी का पड़ाव इतना बेहतरीन है, यदि आप नया वाहन लेकर आओ और उसको डग पर या समरसेबिल के द्वारा धोगे तो उसकी चमक जल्दी ही खत्म हो जाएगी। यकीनन इसके द्वारा बाइक को धोने से और नई गाड़ी को धोने से बिल्कुल भी उसकी चमक नहीं जाएगी और वह ज्यों की त्यों बनी रहेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अब हम दोस्तों इसका एक पानी देने के लिए पेड़ पौधों में एक फव्वारा बनाते हैं और फव्वारे बनाने के लिए आपको 20 या 25 लीटर की एक कैन की आवश्यकता होगी। कैन के ऊपरी भाग में आप एक तनी लगा सकते हैं जिसके द्वारा आप इसे पीछे की ओर टांग सकते हैं। यहाँ पर आपको कैंची के द्वारा एक छेद करना है और छेद की मोटाई केवल इतनी होनी चाहिए जितना आपके पास पाइप, लेकिन एक मोटे पाइप यानी 0.25 इंची पाइप का ही आपको छेद करना है। इसके द्वारा आप 0.5 इंची पाइप का भी फव्वारा में लगा सकते हैं और उसके अलावा 0.5 इंची या 0.5 इंची पाइप को भी एक छेद के द्वारा ही काम में ले सकते हैं। और यह देखिए दोस्तों हमारा कितना बेहतरीन एक फव्वारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके द्वारा सिंचाई करके देखते हैं कि पानी किस प्रकार से पेड़ों के ऊपर पड़ रहा है। यदि हम छोटे पेड़ों में पानी दें तो डायरेक्ट पानी देने से उनकी जड़ें ऊपर की ओर उखड़ जाती है और धूप लगने से पेड़ मुरझाने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। दोस्तों 15 लीटर के इस फव्वारे के द्वारा आप 500 छोटे पेड़ों की सिंचाई कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे फव्वारे की रफ्तार को कम या ज़्यादा करने के लिए या उसको बंद करने के लिए कैन पर लगे ढक्कन को घुमाकर कर सकते हैं। दोस्तों यह छोटा सा जुगाड़ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जाते जाते आपसे कहना चाहेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।